बेसिकली जिंदगी एक शतरंज तो है ही, बट इस फिल्म का टाइटल है जिंदगी शतरंज है और ये 20 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। एज यूजल जैसे सभी प्रोजेक्ट में हम लोग मेहनत करते हैं दिल से, इस प्रोजेक्ट में भी बहुत मेहनत की, लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ एक सबसे बड़ी जो ऐतिहासिक और ख़ास बात है वो ये है कि जब कोविड फर्स्ट जब खत्म होने के कगार पे था तो वी आर द फर्स्ट जिन्होंने कि मुंबई में शूटिंग स्टार्ट की। तो बहुत प्रॉब्लम्स आई हम लोगों को, परमिशंस और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी, बट लास्ट टू लास्ट वी डिड इट। मेरे प्रोड्यूसर हैं आनंद प्रकाश जी, यहाँ मौजूद हैं, मेरे लैब पार्टनर हैं यासीन भाई, वो भी यहाँ पे हैं, और काफ़ी सारे अंदर जितने भी लोग हैं या जितने क्रू हैं या आर्टिस्ट हैं, उन्होंने आउट ऑफ वे जाके कोऑपरेट किया हम लोगों को। इतने डरे हुए थे सब लोग कि हर वक्त मास्क कैसे, तू बात मत करिए, पास मत आ, बट लाइक कहते हैं कि अंत भला सो सब भला, सो लास्ट हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इस फिल्म को हम लोग लेकर पब्लिक के पास जा रहे हैं 20 तारीख को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी मार्केट में, क्योंकि स्पेशली ये वाला जो प्रोजेक्ट है मेरे दिल के बहुत करीब है। शावर भाई से मैं पहली बार मिला था, लेकिन आज हम लोग अच्छे नहीं, बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। एम सलीम साहब, उनके साथ मेरा ये 10वां प्रोजेक्ट है। हितेन, उनके साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट था, बट वी हैव अ वेरी नाइस ट्यूनिंग टुगेदर। राजकुमार कनौजिया, उनके साथ बैक टू बैक हम लोगों ने शोज की प्रोग्राम की, उनके साथ में उनके साथ हम लोगों ने काफ़ी शूट किए। आशुतोष कौशिक हैं दिल्ली में, उनके साथ पहली बार काम किया। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स ऐसे जिनका मैंने पहली बार काम किया या आर्टिस्ट अच्छे मार्केट के, लेकिन उन सब के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना स्मूथ, और ये शूट शुरू के कब ख़त्म हो गया हम लोगों को पता भी नहीं लगा। सो माई एक्सपीरियंस इफ अगर बात करें तो मेरा सबके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे मेरे आर्टिस्ट हो, चाहे मेरे बाकी क्रू हो। सो आई एम हैप्पी विद ऑल। म्यूज़िक इस फिल्म में इंद्राणी भट्टाचार्य जी का है और अंजन भट्टाचार्य, इन दो म्यूज़िक कंपोजर ने म्यूज़िक किया है, बहुत खूबसूरत म्यूज़िक किया है। दलेर पाजी ने गाया है इस फिल्म में, वो भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है। ब्रूना अब्दुल्ला ने परफॉर्म किया है, वो भी मैं उसे एक ब्लेसिंग्स मानता हूँ। तो छोटू लोहार इसके कोरियोग्राफर हैं, तो इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की। इन सब के बिना ये सिनेमा, सबको लगता है कि डायरेक्टर इज़ द मेन, इट्स नॉट लाइक दैट। सब इस टीम का हिस्सा होते हैं, उन सब के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की। इंद्राणी इज़ वेरी मच हियर, मैं चाहूँगा वो भी यहाँ पे आएँ, बड़ी शर्मीली हैं ये, तो इनको हमें फोर्स करना पड़ता है कि आइए। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड, अ वेरी नाइस कंपोज़र, और बहुत मेहनत की इन्होंने जो गाना है अपना गड़बड़ गड़बड़, और बहुत पहले हम लोग इवन ये फिल्म का जब कॉन्सेप्ट भी रेडी नहीं था तब ये गाना फाइनल किया था। सो शी डिड अ वेरी गुड जॉब फॉर अस। नहीं, जब भी देखिए, जब आपके पास खुशी का लम्हा है वही आपका जन्मदिन है, तो टुडे इज़ अ डे। बहुत जब किसी डायरेक्टर की मेहनत एक पर्दे पे साकार होती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो पल उनके लिए बहुत खूबसूरत होता है। तो मेरे लिए तो अभी ये तीसरी फिल्म है मेरी जो अभी बैक टू बैक रिलीज़ हो रही है, सो आई एम वेरी हैप्पी, और ईश्वर का मैं ऐसे आशीर्वाद मानता हूँ, आप सबकी ब्लेसिंग्स मानता हूँ। मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए, मैं सबकी ब्लेसिंग्स मानता हूँ। एक्चुअली गाना मैंने नहीं गाया, मेरा जो सॉन्ग था ये दुष्यंत जी ने 2014 में मेरे से लिया था, उनको बहुत अच्छा लगा था। तो लॉकडाउन में अचानक 2020 में उनका कॉल आया, इंद्राणी तुम्हें दिल्ली आना है, दलेर जी को बहुत पसंद आया गाना, तो दलेर मेहंदी जी ने मेरा गाना गाया है, जो कि बिना दुष्यंत जी के पॉसिबल ही नहीं था। और आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू दुष्यंत जी ऑलवेज, क्योंकि उन्होंने ऑलवेज मुझे मौका दिया। आप लोगों ने देखा होगा उनका पहले फिल्म में भी मैंने काम किया उनके साथ, तो थैंक यू सो मच दुष्यंत जी। एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, मतलब मैं नई कंपोज़र हूँ, इंडस्ट्री में पहले काम करी, और इतने बड़े लेजेंड से मुझे मौका मिला गवाने का, तो आई एम ऑलवेज, इट्स लाइक ऑल क्रेडिट गोज़ टू दुष्यंत जी। मैं तो फॉर मी शी इज़ लाइक अ यंगर सिस्टर, मैं हमेशा छोटी बहन की तरह ट्रीट करता हूँ उनको, तो एक तरह से बहनों का अधिकार भी रहता है भाइयों के ऊपर कि भी वो काम करें, तो डेफिनेटली मैं उस अधिकार से इनके साथ काम करता हूँ, ये मेरे साथ काम करती हैं। बट मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं बहुत कम्फर्ट रहता हूँ इंद्राणी के साथ। मैं सिर्फ इनको बता देता हूँ कि मुझे गाना चाहिए और वो जादू से क्रिएट करके मुझे दे देते हैं, जो भी म्यूज़िक की नीड होती है, तो मैं हमेशा इनको परेशान करता हूँ और ये हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू, सेम हैपनिंग विद द अंजन भट्टाचार्य जी, बट वो थोड़ा जरा महंगे हैं तो उनको सोच समझ के अप्रोच करते हैं हम। सर अच्छा,
मैं एक बार गाने का बोल देती हूँ, कंपोज किया है मैंने, अजय बाबा जी ने लिरिक्स लिखा है और म्यूजिक प्रोडक्शन है ऋषि दत्ता का, और अभी दो लाइन में गाती हूँ। उलझी फिरती दुनिया सारी बिना गल बिना बात के, इधर उधर ऐता चाके नींद नहीं सारी रात के, तू तू मैं कर दे रहंदे काम नहीं बस बड़बड़ है, कहंदे कुछ नहीं कर दे कुछ नहीं मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है गड़बड़ मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है गड़बड़ मामला गड़बड़ है। बहुत खूबसूरत गा रहा है। दुष्यंत जी बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हमें नहीं ले रहे हैं सिर्फ तो मैं यही दुआ करता हूं भगवान से कि जिस मेहनत और लगन से इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, जिंदगी शतरंज है, सक्सेस हो। और डायरेक्शन पे तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी जैसे इनकी त्राही माम आई थी, बहुत अच्छा IMDb रेटिंग भी मिली है और सक्सेस भी मिली है काफ़ी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी को, अपना हितेन भाई है, बहुत अच्छा प्यार है उनके साथ, शावर भाई मेरे बड़े भाई की तरह, तो दिल से दुआ करता हूँ कि ये मूवी सक्सेसफुल हो और बैनर पे बहुत अच्छी चले। बस सीन द फिल्म मुझे तो बहुत पसंद है, और लॉकडाउन के बाद ये मेरी पहला जो काम था, तो स्पेशल इसलिए है कि उसके बाद लोगों के पास काम नहीं था और दुष्यंत जी ने लॉकडाउन के नीचे बाद इसको शूट किया, और उसके बाद हमने 4-5 पिक्चरें और करी साथ में, तो वो मेरी पहली पिक्चर थी इनके साथ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। किरदार है, आप बताइए किस तरह का किरदार है डायरेक्टर साहब? अब इनको देखिए क्या लगता है वो कैसा किरदार होना चाहिए। ही इज़ अ डैशिंग मैन, ही इज़ लाइक यू नो लुकिंग लाइक अ ग्रीक गॉड। तो हम लोगों ने इनकी प्रेजेंस उसी तरीके से रखी है फिल्म में कि जहाँ पे कि हम लोग डेफिनेटली एज एन आर्टिस्ट भी इनके साथ जस्टिस कर सकें, और बाकी आप जब फिल्म देखने जाएंगे तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा। हमने फिल्म सिटी में शूट किया था और उस टाइम बहुत ही सख्ती चल रही थी, मास्क लगाना पड़ते थे आपको, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता था। मड आइलैंड में शूट किया और फिल्म सिटी में शूट किया। फिल्म है अच्छी है, और थ्रिलर है, सस्पेंस है, सारी चीज़ें हैं, मसाला है। तो एक फिल्म के अंदर जो पब्लिक को पसंद आती है, हमने कोशिश करी वो सारी चीज़ें डालने की, बाकी पब्लिक के ऊपर उनको पसंद आती है। ज़िंदगी क्योंकि शतरंज है, तो जनरली ये फिल्म ही उस जेस्चर में यूज़ की कि यहाँ पे हर पासे की अपनी बड़ी अहमियत है इस फिल्म। तो मैं समझता हूँ कि शतरंज, आप जिस तरह शतरंज खेल में रम जाते हैं उसी तरह से फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस फिल्म का नाम है ज़िंदगी एक शतरंज है, और इस फिल्म में मैंने दलेर मेहंदी जी के साथ में एक सॉन्ग किया है जो कि एल्बम सॉन्ग है, प्रमोशन के लिए ये सॉन्ग किया गया है, और इसके अंदर मैंने वेस्टर्न डांस किया है। सो आई होप कि अच्छा हो और सबको अच्छा लगे देख के। सो एक्चुअली मैंने बहुत बचपन में एक गाना सुना था, मेरे दादाजी जो है वो सुनते थे, अजकल दे फिर कुड़ियाँ मुंडे लव लव कर दे फिर दे बिच बाजारा, कार बहाना कॉलेज वाला मिल दे बिच बाजारा। सो ये कुछ टच उस टाइप का है इस गाने के अंदर। ये गाने के वर्डिंग्स हैं बड़बड़ बड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। सो इट्स लाइक कि आजकल की जो जनरेशन है वो बड़बड़ ज़्यादा करती है और हर चीज़ में गड़बड़ करती है। सो ये गाना मुझे लगता है कुछ मैसेज लेके आता है और डेफिनेटली कुछ सिखा के जाएगा और इंटरटेन करके जाएगा। दुष्यंत जी इज़ ए वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी पैशनेट फिल्म मेकर, और दुष्यंत जी का जो पैशन है उसे देख के और उनका हार्डवर्क देख के मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ काम करने में बहुत मुझे मज़ा आया, और ही इज़ ए वंडरफुल पर्सन एंड वेरी केयरिंग एंड ही इज़ ए फ्रेंड एक्चुअली नाउ। मैं उनको काफ़ी सालों से जानती हूँ पर अभी उनके साथ काम करने का मौका मिला, सो आई एम रियली हैप्पी टू वर्क विद हिम। अभी मेरे एक्चुअली मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक 23 मूवीज़ की हैं, जिसमें से मेरी सिर्फ 4 मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, बाकी मूवीज़ रिलीज़ नहीं हुई हैं, लेकिन अब मेरी सारी मूवीज़ एक एक करके रिलीज़ हो रही हैं। सो जो नेक्स्ट मूवी रिलीज़ होगी मैं उसके बारे में फिर बात करूँगी। थैंक यू। संगीत दिया है वो ये है अंजन और इंद्रानी जो अंदर हैं,
बट दुष्यंत जो है ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, और अंजन निंदानी सब लोगों से मेरा बहुत प्रेम है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, ईश्वर का ये प्रोजेक्ट बहुत हिट हो, पीपल रियली वुड लाइक टू, पीपल लव द फिल्म एंड दे मेक इट अ ह्यूज हिट फॉर द होल कास्ट, द होल क्रू एंड एवरीबॉडी। मेरी मुलाकात बहुत पुरानी है, हम लोग करीब 10-12 साल से एक दूसरे को जानते हैं। जब उन्होंने बोला कि ऐसा एक मैं मूवी कर रहा हूँ जिंदगी शतरंज है और एक गाना करना है, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, और कुमार जी ने लिखा है और उसमें मैंने भी गाया हुआ है और अच्छा गाना बना है, कोशिश करते हैं कि, और ऐसा लगता है कि गाना चल जाए आप लोगों की पब्लिक के ऊपर है। देखिए शतरंज ही जिंदगी है, इसका बड़ा सस्पेंस है क्योंकि बहुत दिन के पश्चात ये सस्पेंस की पिक्चर आ रही है, तो हमको ये उम्मीद है कि ये पिक्चर लगातार बहुत चलेगी। और पहले इसका नाम शतरंज रखा जा रहा था, लेकिन शतरंज ही जिंदगी बाद में बदला गया इसके नाम को, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, अंत तक सस्पेंस रहता है, तो इसलिए हम लोगों ने मिलके इसको बनाया। हाँ पहले भी किया है, पहले सन 1984 सरदारों के ऊपर किया है, उसके बाद मुझे शौक एक्टिंग का भी है, तो मैंने यमला बगला दीवाना, रेड, गेस्ट इन लंदन, इनमें रोल भी किया है और इसमें भी मैं हूँ, तो पिक्चर तो मैं 3-4 प्रोड्यूस कर चुका हूँ। हाँ इसके अलावा हमारी आज दुष्यंत जी से यही बात हो रही थी, एक पिक्चर रंग बिरंगी है, हंसी मजाक की, पूरे बच्चों को खुश करने वाली है, तो उस पिक्चर का निर्माण भी जल्दी शुरू करेंगे। और एक प्रोग्राम हमारा स्पेशल बच्चों के लिए भी चल रहा है, स्पेशल बच्चे यानी दिव्यांग, पहले नाम बच्चों का होता था कुछ और, लेकिन मोदी जी ने इसको दिव्यांग नाम दिया जिसमें सारी कैटेगरी आ जाती हैं, तो दिव्यांग बच्चों पर भी हमारा प्रोग्राम आगे पिक्चर बनाने का है दुष्यंत जी के साथ। वेल हाय, पहले तो माय नेम इज़ आसमा सैयद, मैं इस प्रोजेक्ट में तो नहीं हूँ, बट ये एक फिल्म जो है सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, बहुत अच्छे से बनाई हुई है और सर की लगभग ये आई थिंक दिस अ थर्ड फिल्म, तो त्राही माम, अजय वर्धन और अब शतरंज, बट सस्पेंस थ्रिलर है, इट विल जस्ट कीप यू एंटरटेनिंग टिल द एंड, और फिर एंड में एक क्लाइमेक्स होगा जो आपको सब पता चल जाएगा। सो आई एम हियर एज अ गेस्ट टू विश द होल टीम लॉट्स ऑफ सक्सेस, लॉट्स ऑफ बूम एंड जस्ट रॉक द फिल्म, आई मीन दैट्स इट, थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम ऐश्वर्या राज भाकुनी है और आज मैं यहाँ पे एज अ गेस्ट आई हूँ इस फिल्म को देखने। तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर है जो कि मेरा फेवरेट जॉनर है, और इसके जो डायरेक्टर हैं दुष्यंत सर, मैं उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ एक म्यूज़िक वीडियो में, तो वो एक बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर हैं, बहुत ही क्रिएटिव है, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनाई होगी। हितेन जी के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिम अगैन। तो मैं इस फिल्म की पूरी टीम को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी एंड आई होप ये फिल्म रॉक। परी जी, तो मैं राइटर हूँ इस फिल्म का, एम सलीम नाम है मेरा, मेरा स्क्रीन नेम है, और दुष्यंत भाई के साथ तो बहुत प्रोजेक्ट किया हमने, लेकिन अचानक इन्होंने कहा कुछ सस्पेंस थ्रिलर बनाते हैं, और मैंने मोस्टली जो है सस्पेंस थ्रिलर हॉरर बहुत लिखा मैंने टीवी के लिए, और फिल्म भी कर रहा हूँ तो सस्पेंस थ्रिलर तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता लिखने में, तो इनको मैंने ये सब्जेक्ट सुना, इनको अच्छा लगा, शुरू हो गए। नहीं कहानी क्या है कि वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो कहूँगा वो वहीं सस्पेंस ओपन हो जाएगा, थ्रिलर है बस, आप लोग देखिए, देखने के बाद पता चलेगा क्या है, क्योंकि जो कुछ है कहानी मेन जो है बेस जो है वो स्क्रीन प्ले पर है, और स्क्रीन प्ले सुनाया नहीं जा सकता छोटे से, इसमें वो देखना पड़ेगा आप लोग। तो कुमार पाजी ने लिखा हम लोग की फिल्म के लिए, वो हम लोग के लिए बहुत सम्मान की बात है, उसके लिए बहुत हृदय से इनका आभारी हूँ, और अभी कुमार पाजी आपके हवाले। थैंक यू वेरी मच।
अंजन दा का म्यूजिक है, मैंने लिखा ना गाना इसमें एक गाना लिखा एक तो मोहब्बत में एक मेरा तरफ से एक जैसा है कि मैं फिल्म का हिस्सा हूँ, उसके लिए आपको थैंक यू बोलते हैं, आपने लिखवाया मुझे इस फिल्म में गाना, आपका म्यूजिक है इसमें, उसका आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये बताएंगे इन्होंने म्यूजिक दिया, गाना पूरी तरह बदनाम है, बदनाम ना कर देना। क्या गाने के अभी गा सकते हैं? नहीं अभी नहीं गा सकते, रिलीज नहीं हुआ, मुझे कुछ याद नहीं मैंने क्या लिखा। कर एक लाइन, एक लाइन, ऐसा कोई काम न कर देना, बदनाम न कर देना ओ मेरे सोनिया, बदनाम न कर देना। बहुत ही खूबसूरत गाना है और बहुत शानदार कंपोज किया है सर, थैंक यू। मैं एक्चुअली सच बताऊं आपको, मैं न्यूज़ बिल्कुल देखता ही नहीं हूं, और काफ़ी 4 या 5 महीने से मैंने न्यूज़ देखना या सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ें देखना मैंने बिल्कुल बंद करा हुआ, बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या चल रहा है, तो पता नहीं क्या चल रहा है, आपको पता नहीं? सॉरी, ईश्वर एक तो दिवंगत हैं, उनकी आत्मा को शांति दे, और मैं समझता हूँ ये समय एक बेटर, उनके परिवार वाले अवसाद में होंगे तो अच्छा नहीं लगता हम ज़्यादा बात करें, लेकिन हमारी संवेदना उनके साथ है, उनके परिवार के साथ। प्लीज़ गो एंड वॉच जिंदगी, प्लीज़ जनवरी को रिलीज़ हो रही है जिंदगी एक शतरंज। क्या बात है, जिंदगी शतरंज है, और वाकई जिंदगी शतरंजी है, और ये नया साल है तो नए साल में नए तरीके से हम उड़ते हुए शतरंज पर जाए और नया नया मकाम हासिल करें, यही कहने का मन करता है। और बाकी दुष्यंत भाई जो कि बदे बॉय हैं उनके बारे में हमेशा से कहता आया हूँ, और यही कि वो हमेशा एकदम कर्मठ व्यक्ति है और एकदम लगे रहते हैं, जिद्दी है, पैशनेट है, लगे रहते हैं, अपना करते रहते हैं, और ऐसी फिल्में हर साल, ये साल की आखिरी फिल्म है, लेकिन मैं यकीनन कहता हूँ नए साल में ऐसी फिर से उनकी एक वापस से एक लड़ी वो वापस से छेड़ देंगे, और ये लड़ी फिर हम 31 दिसंबर 2023 में देखेंगे। और वाकई इनके साथ काम करना मतलब ये एक्टर को बहुत कंफर्टेबल कर देता है, बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं हम लोग, कैरेक्टर को बहुत अच्छे से और इम्प्रोवाइज़ करने की पूरी छूट देते हैं, तो बहुत मज़ा आता है इनके साथ काम करने का। और मैंने इनके साथ टोटल 5 फिल्में की है, तो वाकई, और ये कोविड के टाइम फिल्म की थी हमने, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि जब लोग घर में बैठे थे हम शूटिंग कर रहे थे, तो मेरे